एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो आज मैं करने वाली हूँ आजियो हॉल, और अभी बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है आजियो पे। 80% ऑफ है आजियो पे अभी। और अभी रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा ड्रेसेस, एथनिक वेयर सेट्स और ये सब चीज़ें ले ली है। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, और इस बार मैंने थोड़े बहुत बेसिक्स ट्राई किए हैं फ्रॉम आजियो, लाइक द शर्ट्स, टॉप्स, ऐसी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, विच आई विल बी शोइंग यू टुडे इन द वीडियो। तो आज जो भी मैं आपको दिखाऊंगी वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, सब कुछ विद इन 500 रुपीज़ है, और क्वालिटी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो जो भी मैं रिव्यू करूंगी दैट विल बी ट्रू। आई एम नॉट बाउंड टू से एनीथिंग फॉर एनी ब्रांड। और अगर आपको उनमें से कुछ भी लेना हो तो सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली टी-शर्ट जो मैंने ली है वो है ये, पिस्ता ग्रीन सा कलर है इसका, और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है बी काइंड। बहुत ही प्रिटी कलर लगा ये मुझे, और ये मैंने लिया है साइज स्मॉल। फिट एकदम परफेक्ट आता है इसका, लेंथ भी एकदम परफेक्ट है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें एक वाइट कलर भी अवेलेबल था विच यू कैन चेक आउट, और इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड डिलिंजर, और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 1200 रुपीज़, बट ये मुझे मिला फॉर 260 रुपीज़ इन सेल। तो ये काफ़ी अच्छी डील मिल गई मुझे, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पहने हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्टाइलिश सी लगती है। जो मैंने ली है वो है ये ग्रे ब्लू सा कलर है, बहुत ही प्रिटी लगी मुझे ये वाली टी शर्ट, और इसके यहाँ पे ऐसे विंग्स बने हुए हैं सिल्वर कलर से। आई होप यू कैन सी इट नाउ। क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड DNMX। सबसे कम प्राइस जो थी वो इसी ब्रांड की थी, और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 300 रुपीज़, बट ये मुझे मिला फॉर 220 रुपीज़, और क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है ये, और लेंथ भी एकदम परफेक्ट है। ये मैंने अपनी मम्मा के लिए ली टी शर्ट, एंड इट इज़ इन द साइज L, और एकदम परफेक्ट फिट आया ये उन्हें। मैंने ली है ये ऑलिव सा कलर है, और इसके यहाँ पे एवोकाडो प्रिंट है। मुझे एवोकाडो प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे बहुत क्यूट लगता है। और ये मैंने साइज लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल, बट ये ओवरसाइज टी शर्ट है, तो ये थोड़ी खुली सी आती है, और इसके स्लीव्स भी अच्छे खासे लेंथ के हैं। राउंड नेक टी शर्ट है ये, और इसका जो लेंथ है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये ओवरसाइज टी शर्ट है, तो इसमें प्लीज़ आप साइज़ चेक करके ही लेना। मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फ्रॉम द ब्रांड क्वारंटीन। ये मैंने ली फॉर 360 रुपीज़। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल है, और बहुत ही कूल सा मटीरियल है इसका। सो या, नेक्स्ट अप आई हैव दिस ड्रेस। ये डार्क ग्रीन सा कलर है, और ये मिड लेंथ टू फुल लेंथ ड्रेस है, पूरी नीचे तक ये ड्रेस है, और इस पर पूरा ये बटन पैटर्न है, ऊपर से पूरा नीचे तक यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रेयन मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है, और इसके इधर से थोड़ा फ्लोई सा पैटर्न आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे प्लीट्स दिए हुए हैं। बस इसके अंदर मुझे इसके ये बटन्स अच्छे नहीं लगे, क्योंकि इसमें येलो से बटन्स लगे हुए हैं, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट उसके अलावा एवरीथिंग इज़ फाइन। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 फुल लेंथ है, और इसके यहाँ पे ऐसे कट दिया हुआ है स्लीव्स के एंड्स में। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और इसका जो नेक है वो थोड़ा वी नेक है, देयर इज़ नो कॉलर, और बाकी ओवरऑल इट्स नाइस। और इसके जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2200, बट ये मुझे मिली फॉर 500 रुपीज़, और ये मैंने लिया है साइज स्मॉल। फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, फिटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है इसकी, ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रेस। और अगले
रिसेंटली मैंने ली है ये टी शर्ट, ये भी मैंने अपनी मम्मा के लिए ली है, ब्लैक सा कलर है इसका और इसके यहाँ पे प्रिंट हो रखा है हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस इन यू, और ये भी DNMX से ही है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 300 रुपीज़, बट ये मुझे मिली फॉर 210 रुपीज़, और ये साइज़ है L, फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है इसकी, लेंथ भी एकदम परफेक्ट है, फिट बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है इसका और क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका और ऐसा प्रिंट है यहाँ पे, ओवरऑल बहुत ही अच्छी टी शर्ट है ये। शर्ट जो मैंने ली है वो है ये पिज़्ज़ा कलर है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है गुड वाइब्स। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस टी शर्ट की, अगेन इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड डिलिंजर। ये भी मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया, बट ये वाली जो टी शर्ट है वो थोड़ी लूज है और ये काफ़ी बल्की सी लगती है, मतलब थोड़ी ओवर साइज़ है ये, और इसकी जो स्लीव्स है वो भी थोड़ी बल्की और काफ़ी ज़्यादा खुली और लंबी स्लीव्स हैं इसकी। ओवरऑल इट्स वेरी नाइस, प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, और जो इसकी लेंथ है वो भी थोड़ी बड़ी है और काफ़ी लूज भी है ये वाली टी शर्ट, बट बहुत ही ज़्यादा कूल मटेरियल है, काफ़ी थिक सा मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 1200 रुपीज़, बट ये मुझे मिली फॉर 360 रुपीज़। घर में पहनने के लिए इट्स वेरी नाइस, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा कूल रहती है। और एक मैंने ली है ये टी शर्ट, ये येलो सा कलर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये टी शर्ट है और ये भी डिलिंजर ब्रांड से ही है, बस यहाँ पे इसे एक टैग लगा हुआ है और यू कैन सी फिट एकदम प्रॉपर आ रखा है इसका। ये मैंने अपने लिए ली, राउंड नेक है इसका, इसके साइज़ एकदम अलग थे और ये मैंने साइज़ लिया M और एकदम प्रॉपर फिट आ रहा है। कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, थोड़ा ब्राइट येलो सा कलर है, नॉट दैट चटक येलो कलर, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी मुझे। ये मैंने ली फॉर 270 रुपीज़। आज की वीडियो की लास्ट शर्ट जो मैंने ली है वो है ये डार्क ऑलिव सा कलर है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे ऐसा प्रिंट हो रखा है और इधर लिखा है बिलीव इन वंडर। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है, इसका फिट भी एकदम प्रॉपर है और ये मैंने साइज़ लिया है L, एकदम परफेक्ट फिट होता है ये और इसकी स्लीव्स भी नॉर्मल साइज़ की हैं, लेंथ भी एकदम परफेक्ट है, प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड फ्री अथॉरिटी और इसका ओरिजिनल प्राइस है 1000 रुपीज़, बट ये मैंने ली फॉर 350 रुपीज़। today's video, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और हॉल्स करूँ देन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, योर सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।